एक दुल्हन से शादी के लिए अड़े दो दूल्हे, फिर लड़की के पिता ने किया ये काम। एक लड़की से शादी करने के लिए दो जगह से बारात आने की खबर से दुल्हन पक्ष के परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लड़की के पिता ने बिना तैयारी के ही दिन में अपने पसंद के लड़के से शादी करा दी। वहीं रिश्ता कैंसिल होने के बाद भी दूसरा वर पक्ष बारात लाने की जिद पर अड़ा रहा और फोन पर धमकी देता रहा। पीड़ित पिता ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूसरे पक्ष को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और लड़की की विदाई करा दी। मामला यूपी के हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के मकराव गांव का है। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी पहले सुमेरपुर में तय की थी। सुमेरपुर कस्बे में भानुप्रताप सिंह के साथ तिलक और अन्य रस्में भी कन्या पक्ष के लोगों ने की थी। उसे 2 जून को बारात लेकर जाना था। बताया जाता है कि शादी से कुछ ही दिन पहले लड़की के पिता ने वर पक्ष के लोगों को खबर दी कि वे अब बेटी की शादी यहां नहीं करेंगे। ऐन वक्त पर शादी से इनकार करने पर भानु प्रताप सिंह और उसके घर के लोग भड़क गए। दोनों में जमकर विवाद हुआ और लड़के वाले बारात लाने की जिद पर लड़ गए। बताया जाता है कि इसी बीच लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी महोबा जिले के खरेला थाना क्षेत्र के सिहोर गाँव में भगवान सिंह से तय कर दी। दूसरा वर पक्ष ने लड़की के पिता पर बेटी को बेचने के लगाए आरोप। बताया जाता है कि सुमेरपुर के भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि लड़की के पिता ने शादी के लिए उनके घर वालों से 5 लाख रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर शादी करने से इनकार कर दिया और पैसे लेकर बेटी की दूसरी जगह शादी तय कर दी। कन्या पक्ष ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि उसने पहले शादी सुमेरपुर कस्बे में भानु प्रताप सिंह के साथ तय की थी, लेकिन इन वक्त पर ज्यादा दहेज मांगने लगे। 1.5 लाख नकद और एक बाइक की डिमांड पूरी न करने की वजह से बेटी की शादी दूसरी जगह करनी पड़ी। दहशत में दिन में ही कराए गए 7 फेरे। बताया जाता है कि गायत्री की शादी के लिए महोबा से बारात शुक्रवार दिन में आई। किसी प्रकार की अनहोनी हो आनन फानन में रस्में पूरी कर दुल्हन को विदा कर दिया गया।